पीछे वहां पर चेक पॉइंट है, हम लोग वहां तक गए, उन्होंने ई पास पूछा, पास तो हमारे पास नहीं है, पास तो हमने निकाला नहीं था। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, टाइम हो रहा है 3:21 और आज है 15 जून, और 15 जून को होता है हमारा बर्थडे। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं छोटा सा राइड प्लान करूं, क्योंकि इतने दिनों से मैं घर पर ही हूं, कहीं पर भी बाहर नहीं गया हूं, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज ही राइड पे जाए, क्योंकि बर्थडे से बेहतर और कौन सा दिन हो सकता है जब आप वो चीज करो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, और खासकर ऐसे टाइम पर जब आप बाकी की चीजें नहीं कर सकते या किसी से मिल नहीं सकते। सो मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि आज के दिन मुझे ये राइड करनी चाहिए। जो डेस्टिनेशन था वो सोचा था लोनावला, बट देन जो दूसरा डेस्टिनेशन है वो है मालशेज घाट, और मालशेज घाट मैं भी नहीं गया हूँ और सिद्धार्थ भी कभी नहीं गया है, तो फिर इसीलिए ऐसा सोचा है कि मालशेज घाट ही जाएंगे। थोड़ी सी बैग पैक कर लेते हैं, स्नैक्स, बाहर खाना मोस्टली अवॉइड करेंगे, तो इसीलिए मैं थोड़े से स्नैक्स भी ले रहा हूँ मेरे साथ, कुछ ड्राई क्लोथ्स, वाटर बॉटल, और हाँ सैनिटाइजर भी जरूरी है। बारिश वगैरह तो नहीं आ रही है वैसे, अभी थोड़े टाइम पहले बहुत जोर की बारिश आई थी बट अभी बंद हो गई है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाएंगे और फिर वापस रिटर्न भी जल्दी आना है। वैसे यहाँ पे पूरा मैसी हो रखा है, एक्शन कैमरा जो है वो चार्ज हो रहा है। मैंने ऐसा सोचा था कि मैं थोड़ा सा सो जाऊंगा 1-1.5 घंटा जो भी है, बट अभी जरा भी नींद नहीं आ रही है, वापस आने तक 1:30-2 बज जाएंगे और तब तक सोने नहीं मिलेगा, बट ठीक है अभी क्या कर सकते हैं। और बस मिलते हैं 4:30 बजे। 4:47 हो रहे हैं, मैं रेडी होके बैठा हूँ कब से, सिद्धार्थ थोड़ा सा लेट उठा था, मैंने उसको कॉल किया था, तो अभी वो आ रहा है, चलते हैं। 4 बजे अच्छी खासी बारिश आई थी, अभी भी थोड़ी सी ड्रिजलिंग हो रही है। फाइनली ये भी आ गया भाई, देर आए दुरुस्त आए, चलो जल्दी चले, रेडी टू गो। SD कैम फिर भी मैंने लगाया हुआ है, और अगर बारिश आई तो बंद कर दूंगा, क्योंकि माइक है बाहर और इसका वाटरप्रूफ केसिंग भी खराब हो चुका है। तूने लॉन्ग राइड नहीं मारा ना बाइक पे? मतलब मेरे जिम्मे है सब, आराम से चला, लाइट चालू कर। थोड़ी थोड़ी सी ड्रिजलिंग हो रही है, जरा जल्दी निकलना चाहिए था, अभी पेट्रोल भराना है। वैसे जो भी हो आराम आराम से ही जाएंगे, ऐसी कोई खाई नहीं है, कोरोना चला जाएगा पर मेट्रो का काम खत्म नहीं होगा। मुझे नहीं पता वॉइस कितना आ रहा है माइक में, बिकॉज मैंने इसके पहले राइड नहीं किया, उसके अंदर रख के ठीक ठाक आना चाहिए, बट ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए ज़्यादा। एक बार भराना पड़ेगा अपने को वापस आते हैं। ये कब बनाया अबे? ये कब बनाया? रोड जो है वो सारे गीले हैं, तो रात में जो है वो अच्छी खासी बारिश गिरी है लगता है। रास्ता जो है वो ठाणे, कल्याण, मुरबाड़ ऐसे बता रहा है, यहाँ पर बारिश नहीं गिरी है। लेफ्ट साइड में है पवई लेक, मालशेज घाट का वर्सोवा से जो डिस्टेंस है वो 140 किलोमीटर के आसपास है। मेरे लेफ्ट साइड में भिवंडी आता है, ये जो सीधा रास्ता है वो नासिक की ओर जाता है, और ये राइट लेना है हमें, कल्याण से होते हुए ये रास्ता जाता है, और अभी जो रास्ता है वो पूरा स्ट्रेट है। हम लोग एक्चुअली मालशेज घाट क्रॉस करने वाले हैं, खूबी फाटा तक जाने वाले हैं। खूबी फाटा वो जगह है जहाँ से खिरेश्वर के लिए रास्ता जाता है, खिरेश्वर हरिश्चंद्रगढ़ का बेस है। 2 साल हो गए रहेंगे मुझे हरिश्चंद्रगढ़ जाके, खड्डे देख रहे हो, इतना बड़ा खड्डा था। बाइकर्स के लिए ये सबसे डेंजर चीज होती है। एक्चुअली BST बसेस बहुत बड़े तौर पे यूज की गई कोरोना पेशेंट्स को हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए, सो कूडोज टू BST। ये कल्याण तक रास्ता खराब होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है, कोई दूसरा अल्टरनेटिव वे पता नहीं है, बट जॉइन तो यही रास्ता करता है। ओहो कोरोना में ट्रैफिक, वाह
कॉर्नर लेने दो, हमें कॉर्नर लेने दो भाई। यार जाम लगा है इधर तो, इतने सुबह रिकॉर्ड हुआ क्या पता नहीं, बीच में कैमरा स्टिल हो गया था, बंद हो गया था, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। अब ये रास्ते किस ओर जाते हैं भाई, कहाँ जाना है भाई? कल्याण से जाना पड़ेगा। कल्याण से ही जाना है, अच्छा है ना, चल। और ये किस जगह की भीड़ है, मार्केट है पता नहीं कौन सा क्या है। राइट लेना है सिद्धार्थ। सो बेसिकली आपको कल्याण में अंदर नहीं घुसना है, आपको NH61 कंटिन्यू करना है, और NH61 जो है वो सीधा मालशेज घाट जाता है। ये कहाँ जा रहा है ये रास्ता काका? मालशेज कुछ है, मालशेज ब्रिज वरुण ना। ये ब्रिज लेने को याद रखना, नीचे से जो रास्ता जाता है वो कहीं और जाता है, ये ब्रिज जो है वो मालशेज की तरफ जाता है। और मौसम बहुत प्यारा है यार, बारिश तो नहीं हो रही है, ऐसी ठंडी सुबह होती है ना वैसा फील आ रहा है। ओहो ओहो, 73 किलोमीटर अभी बाकी है और 1.5 घंटे का एस्टिमेटेड अराइवल बता रहा है, 8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे शायद। मुझे तो अभी ऐसा फील हो रहा है मैं जो है वो ये सारे रास्ते ही रिकॉर्ड कर लूं। अभी थोड़ी सी धूप आई है और इतनी प्यारी मीठी सी धूप है ना यार। नटराज चिकन ढाबा बंद पड़ा है वे, कुछ भी नहीं है। चिकन ढूंढ के आते चल। स्कोप है भाई, ढाबा खोलेगा क्या? चलो अबे मारेंगे गांव वाले। स्नैक्स ब्रेक लिया है थोड़ा सा, ले सैनिटाइजर। दो बूंद जिंदगी के। ओ पाजी, अरे बस ना भाई। जिनको नहीं पता है ये सिद्धार्थ है और शक्ल इसकी पंजाबी वाली, वैसे ये पंजाबी है नहीं भाई, है ना, इसके अंदर ऊपर रुमाल बांध देता है और ट्रैफिक से बचने के लिए बिना हेलमेट के घूमता है। गलत चीजें मत बोल भाई। सोशल डिस्टेंस। इतने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पहली बार निकला ना सिद्धार्थ, सो पहले कभी इसने लॉन्ग राइड नहीं मारा है, और बाहर भी ये पहले कभी गया नहीं था, मतलब आउटिंग के लिए, और तभी भी 31 के टाइम पे हम लोग साथ में ही गए थे, सो सारी चीजें पहली बार मेरे साथ ही कर रहा है। ऐसे मत बोल, गलत सेंटेंस बोल। थोड़ी सी भी आवाज नहीं है, ये शांति फील करो बस। पीछे वहां पर वो जो नजर आ रहा है वो नाने घाट है। SJKM की बैटरी जो है वो खत्म हो गई है, सिद्धार्थ एक्चुअली GoPro लेके आया था, तो अभी मैं जो है वो GoPro माउंट कर रहा हूँ हेलमेट पे। GoPro में ऐसा है कि मैं वॉइस नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगा, कॉज GoPro का जो है वो माइक का एडेप्टर नहीं है मेरे पास, तो इसमें थोड़ा सा जुगाड़ है, इसमें जो वॉइस है वो फोन में रिकॉर्ड करेंगे। क्या रहेगा तो पहले कितना था पेट्रोल पंप दिखा तो बोल बता। सो बेसिकली अभी मैं ऑडियो जो है वो इस रेकफोज ऐप पे कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग मैं कंटिन्यू ऑन करूँगा और बाद में मैं सिंक कर दूंगा। दिस इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, सो चलो निकलते। देखो सामने जो नज़र आ रहा है ना फ्रेम में, वो नाने घाट है, वो नाना सा अंगठा है और एंशियंट ट्रेड रूट है। अगर आपने नाने घाट का ट्रैक नहीं किया रहेगा तो ज़रूर करना। नाने घाट के लिए आपको कल्याण बस स्टेशन से बस मिल जाती है और वो यहीं पर कहीं पर आगे छोड़ती है। नाने घाट का जो स्टार्टिंग है वो ये है, तो बस यहाँ पर छोड़ती है आपको, कल्याण से बस मिल जाती है नाने घाट आने के लिए। अगर आपने नाने घाट ट्रैक नहीं किया तो रिकमेंडेड है, ज़रूर करना। क्या बताऊँ अभी मैं यार, देखो मतलब खूबसूरती का और मैं क्या उदाहरण दूँ यार, देखो।
साहब। पेट्रोल कितना बाकी है सिद्धार्थ? 3 घंटे बीच में कहीं पर भरा लेना चाहिए था ना। ऊपर मिलता है क्या? ऊपर वहाँ पे आगे तो नहीं पता, नहीं देखना पड़ेगा। उधर आएगा ना गांव वाले लोग, ये लोग क्या यूज करते हैं। हाँ होना तो चाहिए, बट फिर भी बीच में किधर भरा लेना चाहिए था। एक्चुअली पेट्रोल जो है वो सिर्फ 2 डंडी बाकी है, तो आगे उतर के फिर शायद जुन्नर से रिटर्न आएंगे, और जुन्नर में पेट्रोल पंप मिल जाएगा। और एक्सेस के क्या कहने हैं यार, मतलब ये मशीन मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। बहुत से राइड किए मैंने इस पर और 1% की भी शिकायत नहीं है मुझे इससे। ओहो क्या प्यारा लग रहा है यार, मैं क्या बताऊं आपको, खुशी देख रहे हो आप चेहरे पे। मतलब वेलकम टू मालशेज, मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे मॉर्निंग है ये। सोशल डिस्टेंसिंग मुझे ऐसा कुछ पल देगा ये मुझे लगा नहीं था। हाँ मैं मालशेज वैसे आज नहीं तो कल आ जाता, पर बर्थडे के दिन आना ये मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है, यू नो डबल खुशी हो रही है। बेस्ट क्वारंटाइन बर्थडे। कैसा लग रहा है सिद्धार्थ? बहुत प्यारा लग रहा है ना। और स्पेशली ऐसा देखने जाएगा ना तो वेदर भी इतना सपोर्टिव है, बारिश नहीं गिरा मेन बात अगर है तो। बारिश गिरता तो शायद वो थ्रिल अलग होता, बट देन इसमें जो मज़ा है ना वो बहुत प्यारा था। मतलब जिस हिसाब से हम लोग राइड कर रहे थे इतने स्मूथली। सो अभी यहाँ से जुन्नर जा रहे हैं पेट्रोल भराना है, बिकॉज यहाँ से रिटर्न जाएंगे पता नहीं पेट्रोल पंप किधर मिलेगा। सो खूबी फाटा हम लोग को वैसे भी जाना था, देखो पता है खूबी फाटा जो है ना वहाँ से आगे जाएगा तो खिरेश्वर विलेज है, और खिरेश्वर जो है वो हरिश्चंद्रगढ़ का बेस विलेज है, तो वहाँ से हरिश्चंद्रगढ़ ट्रैकिंग चालू होता है। सो लेट्स गो। टाइम क्या हो रहा है? 9:15 हो रहे हैं। सो अच्छे टाइम में, टाइम भी अच्छा मेंटेन कर रहे हैं ना, बोलेगा कुछ? हाँ ये अलग नशे करता है, टाइम भी अच्छा मेंटेन कर रहे हैं वैसे। देखते हैं 11 बजे तक भी अगर यहाँ से निकलते हैं तो 2 बजे तक मुंबई पहुँचेंगे। सो अभी जुन्नर चलते हैं, लेट्स गो चले। हाँ यार वहाँ पर हम लोग रुके थे, ये इधर बाजू में सब है और उसके आगे ये जगह है, बहुत प्यारा व्यू है यार। हो चल ब्रो यार निकलते हैं, ज्यादा रुकते नहीं है, क्या बोलता है? चलो चलो अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलते हैं। GoPro का बैटरी जो है वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो GoPro चार्ज करना पड़ेगा। इसके बाद मेरे पास SJCAM का एक बैटरी पड़ा हुआ है तो शायद वो यूज़ करूँगा, बट यार GoPro जैसा फुटेज उसमें नहीं मिलने वाला। यहाँ पर से पूरा वाटरफॉल वगैरह आते रहता है, आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे यहाँ पर बारिश में। अगर ये नॉर्मल टाइम होता तो यहाँ पर पूरा लाइन लगी होती। क्या बात है यार, क्या कहने। वो सबसे बड़ी दिक्कत किधर आने वाली है पता है? ये जो सारी फुटेज है वो सिंक करने में, ऑडियो अलग इसमें रिकॉर्ड हुआ है, ऑडियो जो है वो कंटिन्यू चालू है, GoPro जो है वो बीच में चालू बंद कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है वो एक साथ सिंक करने में और एडिट करने में। ओ भाई धुआ, धुआ हो रहा है समा। ओ भाई क्या बात है, स्पेशल फॉग इफेक्ट स्मॉग इफेक्ट। नहीं पास काढ़े जे ही पास भाई। हाँ ही पास भाई, पास दाखो पास। इथे झालेलो आम्ही मालशेज वर रिटर्न जायचं असं काय नाही। कशा लाल इकडे राईट साठी झालेलो, राईट साठी झालेलो जाओ रिटर्न। रिटर्न ना खुपी फाटापर्यंत पण नाही जाऊ शकत ना, पेट्रोल कुठे तिकडे खालीच मिळेल का आता? नाही नाही पास नाही आहे, नाही आहे। ई पास काढायचं, पास अच्छा ऑनलाईन ई पास असतो, अच्छा पास काढायचा नंतर आपल्याला परवानगी भेटते। चालेल 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 ठीक आहे सर, थँक्यू। अभी मैं आपको सीन समझाता हूँ क्या हुआ है। पीछे वहाँ पर चेक पॉइंट है, हम लोग वहाँ तक गए, उन्होंने ई पास पूछा,
पास तो हमारे पास नहीं है, पास तो हमने निकाला नहीं था, तो फिर उनको बोला हमने कि यार पास नहीं। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे थे, बोला कहीं नहीं यहाँ पर ही राइड मारने आए थे मालशेज में ही। उसके आगे जो है वो नीचे खूबी फाटा और फिर जुन्नर आ जाता है, तो वैसे भी अगर वहाँ पर नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, मालशेज आना था और मालशेज हम लोग आ गए। तो उन्होंने बस पूछा कि आपके पास पास है क्या, तो हमने बोला नहीं है, फिर बोला ठीक है फिर यहाँ से ही चले जाओ, बहुत अच्छे से बोला, कुछ ऐसा क्वेश्चंस वगैरह नहीं किया ज़्यादा, तो अगर पास होता तो हम लोग आगे जा सकते थे, बट कोई नहीं, इसके बाद तो शायद जल्दी नहीं आएंगे, बट काफ़ी अच्छा था वैसे, मालशेज पहुँचना था, मालशेज पहुँच गए ना, बस डन। और अभी ये साल एक और बात ये है कि ट्रैकिंग करने भी नहीं मिलेगा, बिकॉज बहुत से ट्रैकर ये बोल रहे हैं कि अगर गलती से हमारे वजह से जो बेस विलेज है वहाँ के लोकल लोगों तक अगर ये कोरोना का स्प्रेड हो गया तो फिर वो लोग तो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते। सो बेटर है कि हम लोग ही अवॉइड करें और घर पे रहे, ये टाइम जो है ये सीज़न जो है वो निकलने दे, सो कॉन्टैक्ट्स में ना आए किसी के। अभी जल्द से जल्द मुंबई निकलते हैं, जितने जल्दी पहुंच सके उतने जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेट्स गो। दोनों इससे ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, एसजे कैम लगा लिया है हमने, गर्म हो रहा है अभी, चल। वो चेक पोस्ट वहाँ पर है वो बात पता थी मुझे, बट ये नहीं पता था कि वहाँ पे आगे जाने के लिए पास नेसेसरी है। ऐसा लगता है कि वो पुणे रूरल का जो है वो वहाँ से बॉर्डर स्टार्ट होता है, तो अच्छी बात है कि वहाँ पे पोस्ट चेक पोस्ट रखा है और इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर रहे, इतने अच्छे से ध्यान रख रहे। ओहो दादा, पेट्रोल पंप कुठे आहे इथं माहिती आहे? पेट्रोल पंप कुठे आहे माहिती आहे? किती लांब आहे? 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर वर आहे ना? बंद असते बरं, ठीक आहे बघतो, चला धन्यवाद। सुन ना सिद्धार्थ, 12 किलोमीटर पे है बोले, देखते मेरा भी लास्ट टिक बाकी है, आराम से चल, फास्ट मत चल, पेट्रोल खत्म हो गया तो लग जाएंगे। 12-14 किलोमीटर पे है बोला, पता नहीं दादा, ये तो पेट्रोल पंप है का जवर, कितना आगे? 20 किलोमीटर है, पर चालू रहेगा ना? चलिया शुक्रिया। यहाँ पर कोई भी एंगल से नहीं लगता कि लॉकडाउन है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग है, क्या भीड़ है यार, पेट्रोल पंप यार, पेट्रोल पंप है राइट पे। मॉर्निंग में भी सिद्धार्थ ने यही पेट्रोल पंप देखा था शायद, पेट्रोल एम्प्टी हुआ तेरा, परफेक्ट टाइम पे पहुंचा मतलब। बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है, मतलब शायद इतने दिन से राइड नहीं किया इसलिए भी हो सकता है, इतने से डिस्टेंस पे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ कभी, देखो तो वैसे भी आदत नहीं है। बिल्कुल नहीं। 10:50 हो रहे हैं, एग्जैक्ट डिस्टेंस तो नहीं पता बट 100 किलोमीटर के आसपास है। आया ना बारिश, इधर आ इधर आ इधर, बारिश चालू हो गया फाइनली। कैमरा जो है वो अंदर रख देता हूँ, इतने टाइम तक तो नहीं आया था बट बहुत जोर से आने वाला लगता है, पूरा आसमान भरा हुआ है सामने, नेटवर्क भी आ गया इधर, इसका एक्चुअली ऑफिस का एक मीटिंग है, नेटवर्क नहीं था अभी तक तो ये चेक नहीं कर पा रहा था, बेटर है अभी चेक कर ले। हाँ थकान हो रही है यार, पता नहीं किसका घर है। गया बारिश गया। 60-65 किलोमीटर और बाकी है, 11:36 हो रहे हैं, 1 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे अगर हम लोग घूम के नहीं गए तो। ऐसा सोच रहे हैं कि मीरा रोड से जाएंगे, गोड़बंदर रोड से, कॉज भाई को चाय पीनी है फाउंटेन होटल की, चल निकलते हैं ना। अबे बैटरी तो ठीक है, मेमोरी का क्या सीन है इसका? इधर आ, जब लोकेशन चेक किया ना, फाउंटेन होटल से अगर जाते हैं तो 84 किलोमीटर आ रहा है और अगर डायरेक्टली जाते हैं तो 60-62 किलोमीटर आ रहा है, तो भाई बोलता है नहीं यार रहने दे, चाय जोगेश्वरी में पी लेंगे, अपन सीधा ही जाते हैं। हिम्मत नहीं बची है, ये ऊपर से फोन पे फोन आ रहे चले। अच्छा खासा ब्रेक लिया 20-25 मिनट का, आराम से जाएंगे अभी, ऐसा कुछ घाई तो है नहीं। मरना है क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता?
लेफ्ट में है कल्याण स्टेशन और हमें लेना है राइट, यानी सीधा जाना है। कहाँ पर है चाय? यही अपने को वही रास्ते जाना पड़ेगा। क्या बताओ, क्या सुकून मिल रहा है? अरे मोबाइल यार, एरोप्लेन मोड पे डालना चाहिए था। कॉल आया और रिकॉर्डिंग रुक गया बीच में, पता ही नहीं चला। अरे ऑडियो ऑडियो अब जितना हुआ है ना उतने में मैनेज करना पड़ेगा। ये हो गई रिकॉर्डिंग ऑन, अब मोबाइल जो है वो फ्लाइट मोड पे डाल देता हूँ। दो बार बंद हुआ यार, रेस्ट नहीं ले सकते। चलिए चलते हैं। ओ भाई साहब, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक भाई, नॉर्मल से ज़्यादा लग रही है। वाह, बहुत लंबा जाम है, देख रहे हो। जहाँ तक नज़र जा रही है गाड़ियाँ ही दिख रही है। हालत कर दी यार। ये सीधा रास्ता जाता है भिवंडी की तरफ और हमें लेना है लेफ्ट थाने के लिए। पूरा रास्ता जरा भी नहीं भीगे और बारिश आई तो आई इधर घर के इधर। पूछ उसको चाय चालू है क्या? घर के यहाँ पर पहुँच गए, चाय पी रहा हूँ। चल भाई ब्रो मिलते हैं। गाइस दे दो मेरे को। पीछे जाना जितना पीछे जा सकता है, गाड़ी देख के ले, क्रॉप कर देंगे। ये साइड ज्यादा लेना, फिर गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। थंबनेल लाइक कुछ मिला तेरे को? एक क्लोज लेना, एक पोर्ट्रेट नहीं, थंबनेल के लिए ये भी आना नहीं, पीछे जा, बाइक भी आनी चाहिए, पूरा है, टायर भी लिया पूरा। ये क्या कर मालूम है तेरे को? थोड़ा सा पीछे जाके ना ये थोड़ा ऊपर कर, क्योंकि ये कट होएगा पार्ट, समझ रहा है? देखो बट मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है, ये इतने फेज में नहीं आ पाएगा, इसलिए थोड़ा सा पीछे से लिए। एग्जैक्ट चीज है ना, ये थोड़ा सा पीछे से चाहिए। नहीं पोर्ट्रेट नहीं था, पीछे जा, गाड़ी आ रही है, रुक, गाड़ी गाड़ी को देख, जा पीछे जा, और थोड़ा सा इधर होता हूँ मैं, रुक। कैमरा एंगल ठीक लेना, ठीक है ना? चल निकले, तेरा भी चाहिए क्या? नहीं मेरे पास यार, मम्मी को क्या बोलूंगा, क्या करके आया। बैठ बैठ, मैं निकाल दो, सही लग रहा है। मट्टी की खुशबू होती है, बास नहीं होता, फिर भी मट्टी की खुशबू ही होती है। पैर नीचे रख,